में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरू। और अब बात बजट की। 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसे लेकर बिहार विधान परिषद में बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, बीजेपी नेता नवल किशोर यादव, प्रोफेसर गुलाम गौस, रामचंद्र पूर्वे, आदित्य नारायण पांडे, प्रेमचंद्र मिश्र, मोहम्मद गुलाम रसूल समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में शांतिपूर्ण बजट सत्र संचालन के लिए मौजूद सभी दलों के प्रतिनिधियों से सहयोग और समर्थन देने की बात कही गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह हैं फोन लाइन पर। मनोज जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो बैठक हुई है, क्या कुछ निकलकर सामने आए हैं? देखिए मंजूर, 19 फरवरी से 24 मार्च तक बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चलेगा। क्योंकि ये बजट सत्र है, जाहिर सी बात है कि विपक्षी हंगामा करेंगे ही करेंगे, अमूलन ऐसा होता रहा है। और इस बार तो बात करें अगर विधानसभा की, तो विधानसभा में कांटे की टक्कर है। मतलब कि जो विपक्ष के जो सदस्य हैं, वो लगभग मतलब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उसे थोड़ा ही कम है। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा तो हंगामादार रहेगा ही रहेगा, लेकिन विधान परिषद में चूंकि सत्ता पक्ष के सदस्य ज्यादा है, फिर भी अवधेश नारायण सिंह जो सभापति हैं, उन्होंने आज सर्वदलीय बैठक बुलाया ताकि जो बजट सत्र है ये बजट सत्र शांतिपूर्वक जहां पर चले। क्योंकि जो भी अगर कोई अधिनियम या विधेयक कोई लाया जाएगा विधानसभा में, तो वहां से पारित होने के बाद में विधान परिषद में ही आएगा। तो जाहिर सी बात है कि विधान जो परिषद है उसमें भी शांति का माहौल रहना चाहिए। जो भी सदस्यों ने भाग लिया, वो सारे सदस्य सभापति ने अपनी आस्था व्यक्त किया इन लोगों ने, और कहा कि जो परिषद की जो कार्यवाही होगी वो शांतिपूर्वक चलेगी, हम लोग आपका साथ देंगे और आपका भी साथ हम लोगों को चाहिए। मनोज जी, ऐसी खबरों पे लगातार आपकी पकड़ रही है और आपने नजर भी रखी है। आपने देखा कि पिछले कई वर्षों से विपक्षी पार्टियों ने सत्ता पक्ष को घेरा है बजट सत्र को लेकर, तो क्या लगता है कि इस बार जो बजट सत्र चलेगा, क्या ये शांतिपूर्ण चलने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए मंजूर, मैंने वही अभी बताया है आपको कि क्योंकि विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है सत्ता पक्ष से थोड़ा ही कम है, जाहिर सी बात है कि कांटे की टक्कर होगी। और जो परिषद है उसमें सत्ता पक्ष की संख्या ज्यादा है, अमूलन यहाँ पर इतनी हंगामा तो नहीं होने के आसार लग रहे हैं। लेकिन जो सर्वदलीय बैठक जो आज बुलाई गई है, एक तरह से देखा जाए तो ये सिर्फ एक कोरम की पूर्ति ही कही जाएगी। जो यहाँ पर अगर बात करें कि सदन के जो नेता है नीतीश कुमार, वो इस बैठक में भाग नहीं लिए, अलग दो तो सदन के नेता ही हैं। संजय कुमार सिंह जो मुख्य सचेतक हैं सत्ता पक्ष के, तो वो इसमें एब्सेंट रहे। नेता विरोधी दल की है राबड़ी देवी, वो भी इस सर्वदलीय बैठक में भाग नहीं लिए हैं। अगर बात करें विरोधी दल के मुख्य सचेतक की भी, तो सुबोध कुमार वो भी इस आज जो बैठक हुई है इस बैठक में भाग नहीं लिए हैं। तो जाहिर की बात है, एक तरह से कहा जाए तो सीपीआई के केदारनाथ पांडे शामिल हुए, कांग्रेस के मिश्रा शामिल हुए, तो और आरजेडी के रामचंद्र पूर्वे शामिल हुए। और बात करें अगर बीआईपी, अगर सत्ता पक्ष की बात करें, तो बीआईपी और हम के जो एक एक सदस्य हैं, मुकेश सहनी भी हाल ही में ये नॉमिनेटेड हुए हैं, संतोष कुमार पहले से हम पार्टी के हैं, तो ये दो लोग ऑप्शन थे। लेकिन बात करें अगर विपक्ष की, तो विपक्ष के सिर्फ आरजेडी के रामचंद्र पूर्वे, सीपीआई के केदार पांडे और कांग्रेस के प्रचंड मिश्र, यही तीन व्यक्ति विपक्षी जो सदस्य है विपक्षी पार्टी के, वही शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है कि एक तरह से कहा जाए ये फोरम ही पूरा हुआ है। लेकिन अमूलन जिस तरह से होता रहा है, ये बजट सत्र भी हंगामेदार रहेगा, और किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरना है इसकी तैयारी में जुट गई है विपक्षी पार्टी के जो भी नेता है, ये तैयारी में जुट गई है। हालांकि क्या क्या बात अभी हो रही है, किन किन मुद्दों पर फिर सरकार को घेरना है, ये सब बात अभी सामने भी नहीं आ पाई है। लेकिन विपक्षी सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। सत्ता पक्ष भी ये तैयारी कर रही है कि हम लोगों को क्या क्या जवाब देना है सदन में, विपक्षी पार्टी क्या क्या सवाल करेगी। तो एक तरह से कहा जाए तो विपक्षी पार्टी और जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, ये सभी लोग मंथन में जुट गए हैं। क्योंकि कल से 19 तारीख से 24 तारीख तक ये सदन चलना है, तो जाहिर सी बात है कि हंगामेदार होने के आसार हैं। मनोज जी, आपसे एक आखिरी सवाल है कि विपक्ष किन किन मुद्दों पर बजट में, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, किन किन मुद्दों पर सवाल सरकार पर सवाल उठा सकता है सत्र में?
देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना काल जो 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 ये पिछला साल कोरोना काल रहा उसमें जो भी बजट रहा है, जो भी प्रकार का बजट खर्च हुआ है, तो विपक्षी ये अंदेशा लगा रही है विपक्षी पार्टी कि कोरोना में बहुत बड़ा घपला हुआ है, घपला घोटाला हुआ है, तो इसके लिए हमेशा तेजस्वी यादव भी मुखर होते रहे हैं, कांग्रेस के भी नेता मुखर रहे हैं, तो लेकिन ये जो बजट सत्र चलेगा इसमें जो लेखा जोखा जो देना होगा तो कोरोना काल का जो खर्च होगा उस पर भी जो है ये बजट में ये विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी करेगी। और खासतौर पर ये कोरोना काल में का जो बजट है, जो खर्च है, ये मुख्य मुद्दा रहेगा। बाकी छोटे मोटे तो मुद्दे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन कोरोना पर जो खर्च हुआ है, कोरोना काल में जो खर्च हुआ है, सरकार का पैसा खर्च हुआ है, खासतौर पर विपक्षी की निगाह में कोरोना काल का बजट ही होगा। मंजू जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका मनोज नारायण सिंह। तो आपको बता दें कि हमारे वरिष्ठ सहयोग ने जैसा जानकारी दी कि हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि शांतिपूर्ण रहेगा बजट सत्र जो 19 फरवरी से होने वाला है बिहार विधान मंडल में, लेकिन जिस तरह विपक्षी पार्टियों ने घेरने की कोशिश की है, खासकर कोरोना में जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, घोटाला हुआ है, उसे लेकर विपक्षी पार्टियों की तैयारी है सत्ता पक्ष को घेरने की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।